नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और हम देखिए लोगों का क्वेश्चंस जो है डील करते हैं और स्टार्टअप का कंसल्टेंसी करवाते हैं और बताते हैं लोगों को कि कैसे बिजनेस करना है, या उनका कोई रिक्वायरमेंट है तो उसको भी बताते हैं कि कैसे फुलफिल किया जा सकता है या क्या क्या कागजात या डॉक्यूमेंटेशन उनको लग सकता है। तो आज जो ये क्वेश्चन है ये आपका, हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये है टाटा से, है टाटा जमशेदपुर से, कि इनके पास एनजीओ है, ट्रस्ट है और इनको 12A ATG का रजिस्ट्रेशन कराना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा। क्योंकि देखिए हम लोग एनजीओ से रिलेटेड काम करते हैं तो बहुत सारा जो क्वेश्चन है हम लोग के पास आते रहता है कि एनजीओ कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, एनजीओ दर्पण में कैसे करना है, या एनजीओ रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना चाहिए, या उसका काम कैसे होता है, फ़ंड कहाँ से मिलता है। तो हम लोग लगातार देखिए हमेशा अलग अलग टॉपिक पे एनजीओ के वीडियोस लाते रहते हैं। पिछला एनजीओस पे हमने वीडियो लाया था कि जैसे आप देखिए कैसे किसी को सीएसआर फंड मिल सकता है या कौन कौन सा वेबसाइट है जहाँ पे जाके वो प्रमोशन कर सकता है, ऐसे चीज़ों का। तो इसमें 12A ATG का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ये टैक्स फ्री पैसा होने के लिए और जो आपको डोनेशन देगा उसको टैक्स में छूट मिले इसके लिए। तो ये दोनों के लिए ही 12A ATG की ज़रूरत पड़ती है, ताकि और इससे होता क्या है कि एनजीओ को बेनिफिट है कि एनजीओ को थोड़ा फंड मिल जाता है और समाज सुधारक जो काम वो लोग करते हैं तो उनके लिए भी तो पैसा चाहिए होता है, तो उनको थोड़ा हेल्प आउट हो जाता है। तो अगर मान लीजिए आप टाटा में हैं, टाटा में अगर आप ट्रस्ट चला रहे हैं, जैसे कि ये टाटा से है, पूछा है सवाल इन्होंने, तो आप या सोसाइटी चलाइए या ट्रस्ट चलाइए या सेक्शन 8 का कंपनी चलाइए, अगर ये तीनों आप रन कर रहे हैं तो आपका डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेगा 12A ATG का एप्लीकेशन के लिए, वो मैं आपके सामने आज बताने वाला हूँ। तो इस 12A के लिए 10A फॉर्म फिल होता है और ये इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन है जो इनकम टैक्स के वेबसाइट पे जाके रजिस्टर्ड होता है। और अगर ये काम आपके लोकल में कोई आदमी कर रहा हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहा हो तो आप हम लोगों से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूरे इंडिया में हम लोग ये रजिस्ट्रेशन करवा के देते हैं। तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए होता है, सबसे पहले तो मान लीजिए जो भी आपका एनजीओस है उसका जो भी बायलॉज है, यानी आपने जो प्रूफ है आपके पास कि आपने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, सोसाइटी एक्ट में करवाया है तो सोसाइटी एक्ट का पेपर, ट्रस्ट एक्ट में करवाया है तो ट्रस्ट एक्ट का पेपर, सेक्शन 25 में करवाया है तो MCA का पेपर, सेक्शन 8 में करवाया है तो MCA का पेपर, MOA जो होता है ये आपको चाहिए होता है PDF में। उसके बाद जो है सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, सोसाइटी होगा तो आपको देखिएगा बायलॉज मिलेगा और एक सर्टिफिकेट मिलता है, ट्रस्ट होगा तो ट्रस्ट में कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, पूरा डीड मिलता है, और अगर MCA से करवाइएगा तो उसमें भी सर्टिफिकेट मिलता है, प्लस NGO का जो आपका पैन कार्ड जो आपने बनवाया है इनकम टैक्स के, पैन कार्ड NSDL जो बनाती है रजिस्ट्रेशन के लिए, प्लस आपने जो जो काम अभी तक किया है उसका प्रूफ, मान लीजिए आपने कोई एजुकेशन का काम किया या कुछ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है, या मान लीजिए बच्चों के सेगमेंट में काम कर रहे हैं तो उसका जो भी, मान लीजिए अगर आपका कहीं न्यूज़पेपर में कुछ निकला हो तो उसका कटिंग, या आपके पास वीडियोस हो उसका फुटेज, या मान लीजिए आपके पास उसका रिकॉर्ड हो, फोटो हो उसका कटिंग, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर रखनी है, प्लस बैलेंस शीट जो आपका, अगर एनजीओ एक साल पुराना है तो एक साल का बैलेंस शीट, दो साल पुराना है तो दो साल का, तीन साल पुराना है तो तीन साल का बैलेंस शीट, मतलब कि जो आपने खर्चा किया और जहाँ से आपको पैसा मिला सोर्सिंग, ये सब का कैलकुलेशन करके रखना पड़ता है, और जो ITR आपने फाइल किया है उसका कॉपी, यानी आपका इनकम टैक्स फाइलिंग होना चाहिए कम से कम। उसके बाद मेंबर का लिस्ट कि मेंबर कौन कौन है, उनका क्या क्या पोजीशन है, मेंबर का पैन कार्ड, मेंबर का आधार कार्ड, मेंबर का email ID और मेंबर का मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं PDF फाइल में। उसके बाद फिर आप जाके हैं जो इनकम टैक्स के वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो देखिए NGOs में होता क्या है, जो चलाते हैं वो उतना तो टेक्निकल नॉलेज उनको होता नहीं है, वो अपने काम में माहिर हैं, NGO का काम कर रहे हैं, NGO चला रहे हैं, मगर वो इनकम टैक्स वाले में उतना वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं, क्योंकि अगर कोई क्वेरी उधर से आ जाता है तो फिर जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो जो भी टेक्निकल बंदा अगर आपके एरिया में है तो आप उसको दीजिए, उससे काम कराइए, अगर आपके एरिया में मान लीजिए नहीं है तो आप हम लोगों से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम लोग भी ये टेक्निकल काम करते हैं और आपके बिहाफ पे ये काम करके आपको दे सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि जो ये क्वेश्चन था टाटा से पूछा गया तो हमने बता दिया। तो आप झारखंड में कहीं भी हो या टाटा में हो, रांची में हो, कहीं भी हो तो ये काम हो सकता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।